18 न्यूज। अयोध्या उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर। राम जन्मभूमि मंदिर और पवित्र नदी सरयू सहित कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि हाल के वर्षों में अयोध्या को एक और कारण से मान्यता मिली, अयोध्या गुड़ उत्पाद। गुड़ जो गन्ने के रस से बना एक पारंपरिक मीठा व्यंजन है, ये भारतीय व्यंजनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। अयोध्या गुड़ उत्पाद एक पारंपरिक विधि का उपयोग करके बनाया गया है, जिसे अयोध्या में पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया गया है। अयोध्या गुड़ बनाने की प्रक्रिया में गन्ने के रस को तब तक उबाला जाता है जब तक कि ये गाढ़ा होकर ब्लॉक ना बन जाए। फिर ब्लॉक को ठंडा करके बिक्री के लिए तैयार किया जाता है और पैक किया जाता है। पूरी प्रक्रिया बिना किसी मशीनरी के उपयोग के मैनुअल रूप से की जाती है, जो उत्पाद को एक अनूठी बनावट और स्वाद देती है। अयोध्या गुड़ उत्पाद न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। उत्पाद को इसके अनूठे स्वाद और जायके और इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए मान्यता मिली है। गुड़ आयरन, कैल्शियम और अन्य खनिजों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ये पाचन में सहायता करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। अयोध्या गुड़ उत्पाद का उत्पादन अयोध्या में कई लघु उद्योगों द्वारा किया जा रहा है, जो स्थानीय किसानों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। उत्पाद बनाने वाले किसान और कारीगरों को गुड़ बनाने की पारंपरिक विधि में प्रशिक्षित किया गया है और वो कला के रूप में संरक्षित करने में गर्व महसूस करते हैं। यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना में गुड़ उत्पाद के शामिल हो जाने से इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों में नई उम्मीद जागी है। खास तौर पर किसानों के लिए अपने पैरों पर खड़े होने का ये एक मजबूत जरिया बन गया है। अयोध्या गुड़ उत्पाद इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि पारंपरिक शिल्प को कैसे संरक्षित किया जा सकता है और आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक बनाया जा सकता है। उत्पाद न केवल स्थानीय समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय जीवन और स्वस्थ खाने की आदतों को भी बढ़ावा देता है। अपने अनोखे स्वाद और जायके के साथ अयोध्या गुड़ उत्पाद निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में लोकप्रियता हासिल करना जारी रखेगा।